अजमेर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बीना काक, कांग्रेस अजमेर जिला अध्यक्ष विजय जैन, कांग्रेस नेता हेमंत भाटी, देहात जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और परिवारजन उपस्थित रहे। इससे पहले रिजु झुनझुनवाला से अपने समर्थकों के सामने आजाद पार्क से जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पेश किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए झुनझुनवाला ने कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर जो भरोसा व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा, साथ में जनता की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, उन्हें विश्वास है कि अजमेर सहित देश भर में कांग्रेस की जीत होगी। आज नामांकन भरा है इधर, बहुत शुभ मुहूर्त है और सभी कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ आए, मेरे दादाजी मेरे साथ आए, मेरे सन मेरे साथ आए, मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली और पूरी कांग्रेस के परिवार। और आज हमने जो नामांकन भरा है, इसके बाद हम बहुत विशाल एक जनसभा करने जा रहे हैं, जहाँ माननीय अशोक गहलोत जी भी अपना आशीर्वाद देंगे, सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी, रघु शर्मा जी, और ये पूरा एक शुभ मुहूर्त के साथ एक चालू हुआ है आज ये, और इसको हम अंजाम लेके जाएंगे।